नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की औषधि बर्बेरिस बुल्गेरिस के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बर्बेरिस बुल्गेरिस का प्रयोग किन किन लक्षणों में किया जाता है इसके विषय में बताऊंगा। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस औषधि के प्रयोग से रोग में उत्पन्न होने वाला दर्द अपना स्थान तेजी से बदलता है। कभी कभी यह औषधि रोगों को ठीक करने के लिए व्यक्ति में भूख और प्यास को बढ़ा देती है और कभी कभी भूख और प्यास को बिल्कुल समाप्त करती है। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि विशेष रूप से यकृत, जिगर, गठिया, मूत्र रोग, बवासीर और मासिक धर्म संबंधी रोगों के कारणों को उत्पन्न कर इन रोगों को जड़ से समाप्त कर देती है। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग ऐसे रोग में भी अधिक लाभकारी है जो रोग किसी को अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों से हुआ हो। इस औषधि का प्रयोग वृक्को यानी किडनी, मूत्र संबंधी विकारों, पित्त पथरी और मूत्राशय प्रतिस्याय आदि रोगों में किया जाता है। रोगों को ठीक करने के लिए जब इस औषधि का प्रयोग किया जाता है तो यह औषधि पहले वृक्क प्रदेश में दर्द उत्पन्न करता है, जिससे यह साबित होता है कि बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि रोगों में सही कार्य कर रहा है। कभी कभी यह औषधि गुर्दे में जलन और पेशाब में खून की मात्रा लाकर भी रोगों को ठीक करता है। अतः इस औषधि के सेवन के बाद पेशाब का रंग बदलना या खून के आने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर की गंदगी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। कमर का ऐसा दर्द जो कमर के निचले भाग से शुरू होकर ऊपर की ओर उठता है, उसमें भी बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि सेवन लाभकारी है। यकृत पर औषधि का प्रभाव पड़ने से पित्तस्राव बढ़ जाता है। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है। शरीर में उत्पन्न होने वाला ऐसा दर्द जो अपने स्थान बदलता रहता है तथा जिस व्यक्ति में सहनशीलता की कमी हो उस व्यक्ति के लिए भी बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि मेरुदंड की उत्तेजना को शांत करता है। बर्बेरिस का दर्द जो धीरे धीरे चारों ओर फैलता है तथा खड़ा होने व हाथ पैर चलाने से दर्द बढ़ जाता है, ऐसे रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करने से रोग दूर होता है। मूत्र संबंधी रोग के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि एक अच्छी औषधि है। यह औषधि गुर्दा और मूत्राशय संबंधी रोग को ठीक करता है। यह गुर्दे का दर्द व जलन, बाएँ गुर्दे से मूत्र नली व मूत्राशय तक सुई चुभन की तरह दर्द होना, मूत्र नली में जलन तथा पेशाब करने के बाद या पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, पेशाब करने के बाद भी संतुष्टि न होना तथा ऐसा महसूस होना मानो अभी पेशाब लगा ही हो, इस तरह के मूत्र संबंधी रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करने से दर्द, जलन व अन्य मूत्र रोग ठीक होते हैं। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग स्त्रियों में मूत्राशय से योनि द्वार तक सुई चुभन की तरह दर्द होने और पेशाब करते समय कमर और कुल्हों में दर्द होना ऐसे लक्षणों पर करने से भी लाभ मिलता है। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि रोग से संबंधित लक्षणों को पहले उत्पन्न करती है और फिर उस रोग को जड़ से समाप्त करती है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों में बर्बेरिस बुल्गेरिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर से संबंधित लक्षण में रोगी में हतोत्साह, जल्दी घबरा जाना, चेहरे का रंग बदरंग होना, रोगी में आत्मविश्वास की कमी तथा रोगी को ऐसा महसूस होना मानो सिर बड़ा व भारी हो गया हो, ऐसे रोगों वाले लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन लाभकारी होता है। चक्कर आना और बेहोशी उत्पन्न होना, सिर में दर्द व सिर के पिछले हिस्से और कमर में ठंड का अनुभव होना, सिर का दर्द हरकत करने पर बढ़ जाना और खुली हवा में ठीक होना, सोने के बाद भी हल्कापन महसूस नहीं कर पाना तथा पूरा शरीर भारी लगना, हल्के काम करने के बाद भी पसीना अधिक आना
आदि में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करने से रोग ठीक होता है। हृदय में दर्द होना तथा गठिया वाति गांठे होने पर बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे दर्द जिसमें पूरे सिर में दबाव वाला दर्द महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है मानो सिर पर टोपी रखा हो, तो ऐसे सिर से संबंधित लक्षणों में भी बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग किया जाता है। सिर से संबंधित ऐसे लक्षणों में बर्बेरिस बुल्गेरिस का मदर टिंचर का व्यवहार करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसे लेने का तरीका यह है कि 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम दिन भर में 3 बार लगातार 10 दिनों तक सेवन करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम नाक से संबंधित लक्षणों पे। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग नाक में खुश्की होने पर तथा सरसराहट रहने व नाक के बाएं नथुने का पुराना नजला होने पर किए जाने पर लाभकारी प्रभाव दिखाता है। इसके अगले लक्षण है चेहरे से संबंधित। चेहरे का पीला पड़ जाना, चेहरा मुरझाया हुआ और उत्साहहीन रहना, आंखें धसी हुई और आंखों पर नीले रंग का घेरा बनना, चेहरा दुखी और रोने जैसा बना रहना आदि चेहरे के रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मुख से संबंधित लक्षण। मुख में होने वाले रोग जिसमें मुंह में कुछ चिपका हुआ महसूस होता है तथा मुंह से लार कम आता हो तो बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करें। जिस रोगी के मुंह में झागदार लार अधिक आता है तथा उसका मुंह कपास जैसा हो जाता है, तालुमल, वायु अंतरों में जलन और तेज लालिमा के साथ कंठ में गोले अटकने जैसा अनुभव होना, जीभ में होने वाले जलन जैसे गर्म पानी से जल गया हो और जीभ के छालों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करने से जल लाभ मिलता है। अमाशय से संबंधित लक्षण। अमाशय रोग में सुबह के समय कुछ खाने से पहले जी मिचलाना तथा कलेजे में जलन होना आदि में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करने से लाभ मिलता है। पेट से संबंधित लक्षण। पेट में उत्पन्न होने वाला वह दर्द जिसमें सुई चुभन जैसा अनुभव होता है, जो बोलने से बढ़ता है और दर्द अमाशय तक पहुंच जाता है, पित्ताशय के प्रतिच्छाय के साथ कब्ज होना और त्वचा का रंग पीला हो जाना, पेट रोग ग्रस्त होने पर गुर्दों के अगल बगल में सुई चुभन जैसा दर्द होता है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए यकृत, पीहा, अमाशय, जांघों आदि तक फैल जाता है, ऐसे रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। यह औषधि कुल्हे की हड्डी के गहराई में होने वाले दर्द को भी ठीक करता है। मल के लक्षणों में इसका प्रयोग। इस रोग से ग्रस्त रोगी को शौच खुलकर नहीं आता है, जिससे कब्ज बनने लगता है और मल सूख जाता है। शौच जाने के बाद भी शौच की इच्छा बनी रहती है। दस्त के साथ दर्द होता है। दस्त का रंग मटमैला होने के साथ मल द्वार और मूलाधार में जलन होती रहती है। ऐसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग लाभकारी है। इसके अतिरिक्त मल द्वार के आसपास चीरफाड़ जैसा दर्द होना तथा कब्ज के कारण पेट में गैस बनने से भगंदर रोग आदि में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यह औषधि कब्ज दूर करता है और मल रुकने से होने वाले भगंदर आदि रोगों को ठीक करता है। कमर से संबंधित लक्षण। यह औषधि कमर के विभिन्न लक्षणों जैसे कमर में दर्द होता रहता है जो रोगी के बैठने या उठने पर बढ़ता घटता रहता है, कमर में जकड़न महसूस होना, रोगी के लेटने या बैठने पर दर्द का बढ़ जाना, रोगी को कमर में अकड़न व सुन्नता का अनुभव होना, कमर के पास तपकन जैसा महसूस होने जिसको दबाने से दर्द होता हो तो बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। मूत्र से संबंधित लक्षण। पेशाब करते समय पेशाब नली में जलन व दर्द होने पर औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। मूत्र रोग से संबंधित अन्य लक्षण जैसे पेशाब करने के बाद भी पेशाब करने की इच्छा बना रहना, पेशाब में धातु का आना, पेशाब लाल चमकदार तलछट रंग का होना, गुर्दों में बुलबुले जैसा अनुभव होना, मूत्राशय में दर्द होने के साथ पेशाब करते समय जांघों में दर्द होना, पेशाब का बार बार आना तथा पेशाब रोकने पर मूत्र नली में तेज दर्द होना
आदि लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों के रोग से संबंधित लक्षण। किसी कारण से लिंग और अंडकोश के स्नायुओं में दर्द होने पर बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करने से दर्द ठीक होता है। अंडकोश और लिंग में चीस मारता हुआ दर्द होता है, जलन और सुई चुभन जैसा दर्द होता है, तो ऐसे लक्षण वाले रोगों को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस का सेवन करें। स्त्री के रोगों से संबंधित लक्षण। स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले रोग जिसमें पेड़ू पर चुटकी काटने जैसा दर्द के साथ पेड़ू में सिकुड़न महसूस होता है, योनि की सुन्नता, योनि की सिकुड़न और स्पर्श मात्र से ही दर्द और जलन होना, स्त्रियों में सेक्स की इच्छा समाप्त होना, संबोध करते समय योनि में काटने जैसा दर्द होता है, ऐसे स्त्री रोग के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करना चाहिए। मासिक धर्म संबंधित परेशानी, जैसे मासिक धर्म का कम मात्रा में आना, योनि से भूरे रंग का श्लेष्मिक स्राव होना तथा पेशाब करते समय दर्द होना, डिम्बाशय और योनि के स्नायुओं में दर्द होना आदि मासिक धर्म संबंधी रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस बहुत ही अच्छा कार्य करती है। श्वास संबंधित परेशानी, जैसा सांस का रुक रुक कर आना, गले में फुंसियां होना, छाती और हृदय के आसपास चीर फाड़ जैसा दर्द होना, इस तरह के लक्षणों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। अब हम लोग पीठ से संबंधित लक्षण के विषय पर चर्चा करेंगे। गर्दन और पीठ में सुई चुभने जैसा दर्द होता है तथा सांस लेने पर दर्द बढ़ जाता है। गुर्दों के आसपास तेज दर्द उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे चारों ओर फैलता हुआ कुल्हों और जांघों तक पहुंच जाता है। रोगी की पीठ सुन पड़ गई है तथा ऐसा दर्द उत्पन्न होता है मानो किसी ने पीठ को कुचल दिया है। गुर्दे से लेकर मूत्राशय तक ऐसा दर्द होता है मानो सुई चुभ रही है। पीठ में चीर फाड़ जैसा दर्द होता है, साथ ही पीठ में अकड़न व कुल्हे, नितंब व हाथ पैरों में भी दर्द व सुन्नपन आ जाता है, जिसके कारण रोगी को खड़े होने में परेशानी होती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हों तो रोगी को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि कमर में दर्द होता है, कलाई और उंगलियों के बीच की हड्डियों और टखनों की हड्डियों में दर्द होता है, कमर के किसी भाग का ऑपरेशन होने के बाद उस अंग में दर्द होता है, कुल्हे की वात नाड़ी में मसाने तक दर्द होता है और पेशाब बार बार आता है, ऐसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण। कंधों, हाथों, उंगलियों और पैरों में गठिया और लकवे का दर्द होने पर बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करें। हाथ के नाखूनों के स्नायुओं में दर्द होने के साथ उंगलियों के जोड़ों पर सूजन होना, जांघों के बाहरी भागों में ठंडी का अनुभव होना, एड़ियों में दर्द होने के साथ ऐसा महसूस होना मानो एड़ियों में घाव हो गया है, खड़े होते समय कलाई की हड्डियों के बीच के भागों में सुई चुभने जैसा दर्द होना, चलने पर पैर के मांसपेशियों में दर्द होना, थोड़ी दूर चलने से रोगी में भारी थकान के साथ चिड़चिड़ापन आ जाता है, ऐसे लक्षणों में रोगी को ठीक करने के लिए बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। त्वचा संबंधित लक्षण। त्वचा पर चपटे दाने निकलना, त्वचा पर खुजली और चीसे जो खुजलाने से बढ़ता है तथा त्वचा पर ठंडे पानी या अन्य पदार्थ लगाने से आराम मिलता है, सारे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आना, मल द्वार और हाथों की खुजली होती है, इस तरह के त्वचा के रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। अगला लक्षण इसके बुखार पे है। पूरे शरीर में ठंडक महसूस होना, पीठ के निचले भाग, कुल्हों और जांघों में गर्मी उत्पन्न होना आदि बुखार के रोगों में बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का सेवन करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। शरीर के हिलने डुलने से तथा खड़े होने से रोग बढ़ता है। चलने फिरने तथा शरीर में झटका लगने से रोग में वृद्धि होती है। इस औषधि की प्रतिविष औषधियाँ हैं कैम्फर, बेलाडोना। ये दो औषधियाँ बर्बेरिस बुल्गेरिस के विष को दूर करता है। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि की तुलना कैंथरिस, लाइकोपोडियम, सार्सापरेला, इपोमिया, एलो, नक्स, जेंथेरिया, अर्बोरिया आदि औषधियों से की जाती है। इस औषधि को मदर टिंचर में व्यवहार में लाना चाहिए।
बर्बेरिस बुल्गेरिस को क्यू पोटेंसी में 20 बूंद आधे कप ठंडे पानी में डालकर दिन भर में 3 बार सेवन करना चाहिए। इन सभी समस्याओं के लिए यह औषधि रामबाण औषधि सिद्ध हुई है, परंतु लक्षणों का मिलान अवश्य कर लें एवं किसी भी होम्योपैथिक औषधि का व्यवहार करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें ताकि वे आपके डोज निर्धारित कर सकें। बर्बेरिस बुल्गेरिस औषधि का रक्त संचार पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप गोनिका में अतिरिक्त संचय और खूनी बवासीर जैसे रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यह औषधि मूत्र संबंधी विकारों को पैदा करती है और उसे बढ़ाती है। होम्योपैथिक की किसी भी औषधि का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें। आज का आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।